बिंदुखट्टा में धान खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मोर्चा के जिला अध्यक्ष कमल जोशी मुनी ने कहा है कि बिंदुखट्टा में एक ही धान खरीद केंद्र होने के चलते किसानों को धान बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक केंद्र होने के चलते किसानों को लंबी लाइनों में काफी इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके चलते किसानों का समय भी बर्बाद हो रहा है और इससे किसान काफी परेशान है। उन्हें सरकार द्वारा तय रेट से कम में धान बेचने को विवश होना पड़ रहा है। उन्होंने एसडीएम से किसानों का हित देखते हुए बिंदुखट्टा में धान खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग की, जिससे किसान बिचौलियों से बच सके। बिंदुखट्टा क्षेत्र के किसानों की एक समस्या थी कि बिंदुखट्टा के किसानों के बीच में एक धान केंद्र, केवल एक धान केंद्र खुला हुआ है और सरकार ने एक निर्धारित रेट तय करे हैं और एक धान केंद्र होने के कारण किसानों को जनवरी तक का समय उसमें दिया गया है। हमारा आज एसडीएम महोदय से निवेदन करा हमने कि वहाँ कुछ धान केंद्र, खरीद केंद्र और खोले जाएं, जिससे किसानों को जल्द से जल्द किसान वहाँ धान पहुँचा सके और उनको लाभ हो सके उसका। और ये हमने आग्रह आज उनसे कर रखा, जिससे कि सरकार द्वारा निर्धारित रेट उनको मिल पाए, जो बिचौलिए हैं वो बिचौलिए जो है वहाँ तक ना पहुंच पाए और सरकार की योजनाओं का उसका लाभ बिंदुखट्टा क्षेत्र के सभी किसानों को मिल पाए। इसलिए हम यहाँ आज आए थे। किसान मोर्चे की ओर से हमने आज ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे किसान मोर्चे की पूरी टीम यहाँ सब लोग आए हुए हैं। किसान मोर्चा संघ द्वारा जो है एक ज्ञापन मुझे दिया गया है कि जो बिंदुखट्टा क्षेत्र है उसमें धान क्रय केंद्र उनके अनुसार लग रहा है कि और बढ़ाए जाने से लोगों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी, तो ऐसा एक मांग पत्र उनके द्वारा दिया गया है। इस संबंध में शीघ्र ही मैं जिलाधिकारी महोदय को उनका ज्ञापन प्रेषित करते हुए और जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी वो मैं कोशिश करूँगी कि वो इसमें सर जैसा आदेश करेंगे वैसा मैं शीघ्र से शीघ्र उनकी समस्या निस्तारित करा पाऊँ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।